गाइस, मेरे को निकाल दिया घर से बाहर। तो आज हम करने वाले हैं लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स फॉर 24 आवर्स मजबूरी में, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। तो चलो कुछ जगह देखते हैं कहाँ पे हम सेटअप कर सकते हैं अपना, क्योंकि जीना तो है और बारिश का मौसम चल रहा है और उमस इतनी बुरी वाली हो रखी है, बट क्या कर सकते हैं। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। यहाँ पे हर जगह सिर्फ मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी पर यहाँ पे शायद टेंट सेटअप कर सकती हो। कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, रहना है जब। चलो 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 चलो, पहले टेंट लगाने से पहले झाड़ू लगाया जाए, पर मेरे पास झाड़ू तो है ही नहीं। कोई सफाई क्यों नहीं करता है? अरे मैं क्या बताऊं, मेरे को करनी पड़ रही है। ओके गाइस, टेंट लगा जाए। तो गाइस, हमने ये सेट कर दिया है पूरा, और इतना बुड्ढा है कि इसके अंदर मेरे जैसे 10 जने सो सकते हैं। ठीक है, आओ मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। मैं बहुत गरीब, पहले बताती हूँ, गरीब अलर्ट, क्योंकि मेरे को सब सामग्रियों के साथ नहीं फेंका गया था, लिमिटेड सामग्रियों के साथ फेंका गया था। तो मेरे पास लिमिटेड चीज़ें हैं घर को सजाने के लिए। तो आओ दिखाती हूँ। तिडन तिडन आएगा, आ जाओ। ओके, इस तरीके से अंदर आते हैं। सिर्फ इसके अंदर मेरे पास एक पाया है, मैट है, और इसके ऊपर थोड़ी चादर है, और ये मम्मी बस दो चार कुशन है, थोड़ा बहुत डेकोर है, ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास। थैंकफुली मम्मी ने कंघी भी फेंकी थी। थैंक्स। तो मेरे पास कंघी करने के लिए एक ब्रश है, देन यहाँ पे एक बैग है, ये एक हैट है, बुक्स है मेरे टाइम पास के लिए। आप सोच रहे हो मेरा फूड कॉर्नर कहाँ है? भाई, मेरे को खाने पीने के बिना फेंक डाला घर से। ओ गॉड। तो मेरे पास खाने पीने का कुछ भी नहीं है, उसका थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा, बट या दिस इज हाउ इट इज। और गाइस, एक्सट्रीम गर्मी है क्योंकि 40 डिग्री हो रहा है बाहर, बहुत ज्यादा गर्मी है। कैसे सर्वाइव करने वाले हैं कुछ नहीं पता, बट अभी तो सिर्फ शुरुआत है गाइस। थोड़ा ऐसे मुंडी बाहर निकाल के रखो तो फिर भी ठीक है, फिर मच्छर काटेंगे। मैं सोच रही हूँ ऐसे बैठ जाती हूँ। कोई बात नहीं, हम तो ओके गाइस। तो अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, और अब देखो हम, मैंने चिन्नू को भी अंदर बुला लिया कि गर्मी में मैं अकेले क्यों मरूँ, तू भी मर। तो मैं अच्छी बहन हूँ ना, हूँ कि नहीं, इस बात पे एक लाइक। तो इसको मैं ले आई हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, पर अभी हमारे सामने से एक मस्त है ना सीनिक व्यू आने वाला। देखो गाइस, यहाँ देखो क्या चल रहा है हमारे घर के जस्ट बाहर। बकरी अपने घर के अंदर घुस गई तो, अरे ये तो इधर तक आ गई है, हमारे घर के बाहर फार्म जा रहा है, फार्म पूरा फार्म। ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ फार्म, E-I-E-I-O। उसके पास दो डॉबरमैन हैं, यहाँ पे खतरनाक लड़ाई हो रही है, हमारे को फ्री में एक मैच देखने को मिल रहा है। मेरे पास जेब में खाने थे, मैं हमेशा अपने जेब में ना इनका खाना लेके घूमती हूँ। तो मम्मी ने जब धक्का मार के फेंका ना, तब भी मेरे पास थे लखी ले, मेरा खाना नहीं है देखा। अरे बिजू जो खाली, अरे वाह, अरे वाह, अरे तू कहाँ अंदर आ रही है का? मैंने बोला था, मजाक कर रही थी, मेरे जैसे 10 आ सकते इसके अंदर। सारा यही खा जाएगी, बता देती हूँ। बाय द वे गाइस, ये हमारी कुकू की बहन है, सगी। हमने कुकू को यहीं से उठाया था, तो ये उसकी सगी बहन है। आ गया मोटू, आ गया। आधा आधा और मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मेरे बिल्कुल बिन पैसे के मेरे को बाहर फेंका मम्मी। अभी मेरे पास एक दो खिलौने हैं, चिन्नू के हैं वैसे तो। कौन से खिलौने है? तेरे मेरे को मम्मी ने पोटली में बांध के दिए थे। नहीं नहीं नहीं, मेरे खिलौने मत बेच। खाना नहीं है, पागल क्या? थोड़ी शांत रहे, खाने का सोचने दे थोड़ा। मैं बिजनेस प्लान चला रही हूँ, मैं अपने मन में बिजनेस प्लान चला रही हूँ। अपने पास जो खिलौने ना वो बेच देते सस्ते में, तेरे को नए दिला दूंगी बहन। आज पैसे नहीं है, कल पैसे नहीं है, ऐसा थोड़ी बोला मैंने। आज पैसे नहीं, कल खरीद लेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। खिलौना दिखाती पहले, मेरा मेरा खिलौना दिखने में बहुत प्यारा है, इसको कोई भी खरीद ले ऐसे। मैं 500 रुपये में चिन्नू को गिफ्ट किया था, खाना चिन्नू। कोई बात नहीं, मैं 50 रुपये में आज बेचने वाली, वो भी साफ सुथरा नहीं है तो क्या हो गया, थोड़ा चिन्नू ने इधर उधर पेन की लकीरें मार दी इसके ऊपर, थोड़ा इस पर सो भी गई होगी जिसकी वजह से इसके सब इस पर गिर गया। अदर देन दैट इट्स परफेक्टली फाइन, इसको बेच दे, लेट्स गो। पर यहाँ पे लोग ही नहीं है, प्रॉब्लम ही है, हम इतने सुनसान जगह पे बैठे हैं। गायों से पूछ के आती हूँ एक सेकेंड। 100 रुपये है क्या? हेलो हेलो हेलो, वो सस्ते नशे कर रही है। मेरे पास तो वो भी नहीं है करने के लिए। भैया इधर इधर, भैया इधर, टेडी बेयर खरीद रहे हो क्या? ये खरीद रहे हो क्या? सस्ते में बेच रहे हो? नहीं
कुछ भी नहीं, खाने को भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सुबह से कुछ खाया नहीं, तो सोच रहे इसको बेच के खा लेते हैं। कोई बात नहीं, चलो ले ही लेता रिम पानी ने है? ले ही लेता है। हाँ, ले लो। गुड्डी ले आई। हाँ, कितने में दे रही हूँ बताओ? कुछ भी दे दो, मेरे को तो पता है कितना में दो कितना में लो। है आपके पास 50? पैसा? हाँ, अभी चाहिए? हाँ, अभी तो खाएंगे ना। अभी तो नहीं है, चलो मेरा घर में खाना खिला देंगे। घर जाके खाना पड़ेगा ना। मुर्गा मच्छी मुर्गा मच्छी हम खाते नहीं ना। पकड़ बच्चा होता तो मेरे ही लेता था पैसा, 100 करे 500 तो 500 ही दे देता। अरे यार भैया, टैडी लोगे? टैडी लोगे क्या? ले ले 100 रुपए। 100 रुपए टैडी? 50 नहीं, बहुत महंगा है। हमसे भी गई सिचुएशन है कुछ लोगों की। ये खिलौना और मैं अभी अकेले हो गए हैं, चिन्नू मुझे छोड़ गई है। चिन्नू को शायद एम्बैरसमेंट सहन नहीं हो रही थी, एंड मैंने इसको बेचने का बहुत ट्राई करा पर कोई नहीं खरीदा। मेरे सुंदर से पेंगुइन को जिसको मैंने 500 रुपये में खरीदा था, मैं 50 रुपये में बेच रही हूँ, फिर भी कोई नहीं खरीद रहा। बट कोई बात नहीं, मैं और मेरा टेडी अकेले भूखे रह लेंगे थोड़ा टाइम, कोई बात नहीं। 24 घंटे भूखे रहने से लोग मरते नहीं है। आ गई, ये लो 100 रुपये, मुझे कोई दे दो, मैं खरीद रही हूँ। एक तो मेरे टॉयज उठा के लोगों को बेच रही हूँ, ऊपर से कोई खरीद भी नहीं रहा। ये लो 100 रुपये। ओके गाइस, 100 रुपये आ चुके हैं, कुछ खा सकते हैं फाइनली, कुछ ऑर्डर किया जाए, स्विगी किया जाए। ओह माय गॉड, 100 रुपये में क्या ही आता है, बट ठीक है। एक्सट्रीमली गर्मी, खाना हमारा आ चुका है फाइनली। स्विगी भैया वाले भैया बड़े अच्छे बच्चे अच्छे भैया की तरह हमारे टेंट में लाके हमको खाना देके गए। मैं आपको दिखाती हूँ हमारे को 100 रुपये में क्या खाने को मिला। हरा फ्रेंच फ्राइज, और ये मेरे फेवरेट भी हैं और मेरी फेवरेट जगह से भी है, तो व्हाई नॉट, मैं ऐसे खाने वाली हूँ। वो कैसे देख रही है? एक तो शीट इधर मत आना प्लीज, एक सीन डालेगी फट जाएगा हमारा टेंट। गाय माता प्लीज माफ कर दीजिए, घास नहीं है, हमारा टेंट गलती से ग्रीन कलर का हो गया है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। We really need it, but... I know, but still. Why do you guys are doing that? YouTube thing so much? Yeah, YouTube thing. It's doing a challenge. Really? How much is it for? I'll just pay you. Seriously? Oh, thank you. Hey, what's your name, by the way? Okay, bye. Thank you. मैं नहीं बताऊंगा। लाइक मैं चिन्नू को बोल रहा था, चिन्नू अपने पास पीने के लिए पानी तक नहीं है। लुक, भगवान ऐसे ही करते हैं यार किसी के भी थ्रू। बट वो लिटरली हमारे लिए 2 कॉफी लेके आए एंड चॉकलेट लेके आए। मैं तो इमोशनली हो गई थी। ऐसा भी कोई करता है किसी के लिए आज के टाइम में? मैं ऐसे भी नहीं, हम सुंदर परिया हूँ, हम ऐसे चल रहे बैठे, तो भी इतना हैंडसम बंदे आके हेल्प कर जाते। तो दिल ही खुश हो गया। मैं ये चैलेंज आज खत्म करने वाली थी गाइस, क्योंकि हमारे से बिट से बर्दाश्त नहीं होता, तो सी ऐसे हेल्प करते हैं भगवान। थैंक यू। आ भगवान, मजा आ गया चिन्नू, मजा। मैंने बहुत ज़्यादा मशक्कत लगाई तो नहीं ज़्यादा, पर मैंने लाइट्स को बस ऐसे पीछे फेंक दिया, कॉज ये सुलझाने में मेरे को दिक्कत आती है। फिर मेरे दिमाग में आया कि इसको मैं लगाऊं काम, क्योंकि टेंट के ऊपर तो हमारे पास कोई हुक की जगह नहीं है। अब मैं घर जा नहीं सकती टेप लेने, तो मैंने इसको बस पीछे रख दिया। कौन है भाई? ओ मम्मी, क्या है, कब से इधर? वो से तो जब से आपने निकाला तब से हूँ। सुबह से बैठी है इधर। और क्या खाना पीना कुछ नहीं करना? खा लिया हमने। क्या खाया? दिन में खा लिया था। कहाँ से पैसा मिला? वो हमको 100 रुपए चिन्नू ने दे दिए थे। जो उसमें क्या खाया? फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज है क्या सुबह से शाम तक? हाँ, फिर हमको एक भैया ने कॉफी भी दी थी जो चिन्नू रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पर हाँ चॉकलेट भी मिले थे सुबह से शाम तक। कॉफी और फ्रेंच फ्राइज। हाँ हाँ, आ जाओ घर वापस। नहीं, अब तो अभी हम लोग कम्प्लीट करके जाएंगे। क्या कम्प्लीट करना है? अरे एक चैलेंज। अच्छा पैसे दे रही होगी? पैसा के लिए कभी मना नहीं कर सकते। इससे क्या होएगा? इससे फ्रेंच फ्राइज ही मिलता है सिर्फ। ओह,
इतने सारे पैसे क्या मैं क्या यहाँ बूफे लगाने वाली हूँ इतने सारे पैसों का? मुझे खिड़की खोलने में थोड़ा डर लग रहा है, अगर मैं खोलूँ मुझे कुछ दिख गया तो मैं यहाँ नहीं बैठाऊंगी और फिर मैं भाग भी नहीं पाऊंगी, कुछ भागने इतने टाइम पे तो मेरे को पकड़ लिया जाएगा ना, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है। कुछ भी नहीं है यार। शिट, तू क्या? ये क्या है? ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट, बंद नहीं हो रहा। गॉड। अबे हंस कौन रहा है बाहर? वो तो पागल है, तू थी क्या? पागल है तो ऊपर चली गई थी ना? मैं सिर्फ आपको प्रेम करूं। लिटरली मेरे ना हाथ पैर कांप गए थे मेरे, वहां तो देखो ठीक है, उसके बाद तो अभी चढ़ी में बोले गई रंगा। एक सेकंड के लिए मुझे भगवान याद आ गया। आपको प्रैंक अच्छा लगा ना? हाँ बहुत अच्छा था। तो गाइस ये वाली इमोजी डालो अगर आप चाहते हो कि रंगना दी ऐसा प्रैंक करे लोगों पे। सभी ने लेडी वाला? हाँ नहीं नहीं प्लीज। यस 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 यस। ओ गॉड हिट 100 लाइक्स। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 100 ही मांगे मैंने तो। नहीं प्लीज, इस चिपचिप वाले मौसम में आप भी जानते हो बाहर एक कदम नहीं रखा जाता और हम लिटरली बैठे हुए हैं। प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दो। लेटने का ट्राई करते हैं, एटलीस्ट नेक तो लगाते हैं जिससे छर तो नहीं आएंगे, इंसान भी नहीं आ पाएगा झटके से तो। और कुत्ते तो हमारे बाहर हैं ही, देख ही रहे हैं आपको गाइस, कुत्ते हमारे हैं और हम सो रहे हैं सोने, भगवान जाने कितनी दुनिया देखेगी हमको, बड़ा सो जाते हैं। ओके गाइस अभी हम लोग भागते हुए ऊपर आ गए क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा वियर नॉइस हो रही थी। और देखना टाइम अभी क्या हो रहा है, 2:22 बज रहे हैं सुबह के एंड हमारे रूप हमको बहुत ज़्यादा वियर सा आ रहा था कि ऐसा कुछ अजीब अजीब सा फील होता, तो हम लोग लिटरली सिर्फ निकल आए, बाहर निकलने पे कुछ था नहीं पर फिर भी ऐसा लग रहा था कुछ तो है या कोई तो हमें देख रहा है, आई डोंट नो, बहुत वियर लग रहा था। तो हम लोग बस उठ के आ गए, टेंट भी वहीं छोड़ दिया है, हमारा चैलेंज 4-5-6 घंटों में और कंप्लीट हो जाता पर ठीक है इतना भी काफ़ी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड यह दैट इज इट, आप सारे वीडियो में देख पाए।